जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील कपडे धुलाई करण्याचा कंत्राट प्रमोद जयपिल्ले नामक व्यक्तीला दिला. त्यांच्याकडे धीरज माहुलकर हा अनेक महिन्यापासून कपडे धुलाईचे काम करतो. मात्र गेल्या 18 महिन्यापासून कंत्राटदाराने माहुलकर यांना बिल दिला नसल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला. अशात त्याच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. सोन्याचे दागिने गहाण ठेवून तो कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत असल्याने शेवटी माजी नगरसेविका लवीना हर्षे यांच्या नेतृत्वात धरणे आंदोलन करण्यात आले. जिल्हा स्त्री रुग्णालय परिसरात धीरज माहुलकर यांनी पत्नी लहान मुलांसह धरणे आंदोलन केले. कपडे धुलाईचे बिल मिळावे नाहीतर पुन्हा आंदोलन करील. मी लवीना गजेंद्र हर्षे, माजी नगरसेविका, प्रभाग क्रमांक 13, धुलाई कंत्राटदार सेवा. जो कंत्राटदार आहे पिल्ले प्रमोद जय पिल्ले, त्यांनी धीरू माहुलकर हा धीरज माहुलकर हा त्याच्याकडे काम करतो, कपडे धुण्याचं काम करतो. 18 महिने झालेले आहे, त्यांनी त्याचे पैसे दिलेले नाही आणि त्याच्या परिवारावर भूकमारीची वेळ आलेली आहे. आणि त्याच्या बायकोचे पूर्ण गहने गहाण ठेवून ते घर चालवत आहे. मुलांना शाळ्यासाठी आणि बाकी जेवण आणि बाकी सगळ्या गोष्टी लागतात, दवाखाना लागते, त्यासाठी त्यांना काही मदत नाही आहे. यासाठी हे आंदोलन केलेले आहे. आणि 18 महिने झाले, आता नुकताच कोरोना काळ संपलेला आहे. चांगल्या चांगल्या लोकांची परिस्थिती खराब झाली आहे, पण याची परिस्थिती पहिलेच खराब होती आणि त्यांनी 18 महिन्यापासून त्याला बिल दिलेलं नाही, त्यामुळे त्याची अजून परिस्थिती खराब झालेली आहे. म्हणून त्यांनी जर बिल त्याचं पूर्ण दिलं तर ठीक आहे, नाही तर आम्ही यानंतरही चांगलं तीव्र आंदोलन करू. और इसके पहले जब भी हम जो दूसरे ठेकेदार के जो काश काम करते 2021 के पहले हमको बराबर पेमेंट मिलता था. मैं भी 9 साल से सुपर के अंदर कार्यरत हूँ. 2021 से जब से ये कॉन्ट्रैक्टर टोटल जलगांव की कंपनी को, साई मल्टी नेशनल कंपनी को ठेका गया हुआ है. उन्होंने हमको सब कॉन्ट्रैक्टर बना के यहाँ काम कर रहे हैं. हमारे को मार्च महीने से 2021 से 1 रुपये का पेमेंट उन्होंने करे नहीं. और बिल क्यों नहीं कर रहे, ये कारणवश सामने साई मल्टीनेशनल कंपनी का एक भी व्यक्ति आने रहा, हमको कोई आश्वासन दे नहीं रहा, हमको साथ में लेके कोई काम नहीं कर रहा. हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं क्योंकि आज हम जो काम कर रहे हैं, जो मटेरियल को पैसा लगता है मैडम, मटेरियल को पैसा तो हमको लगाना ही पड़ता है. कौन सा काम कर रहे हैं? हम धुलाई का काम करते हैं. टोटल अमरावती जिले का टोटल 19 सेंटरों के 1 रुपया भी बिल किसी को नहीं मिला. ऐसे हम अकेले नहीं हैं, हम 19 कॉन्ट्रैक्टर हैं. ये डफरिन के हैं, मैं सुपर का हूँ, क्योंकि अमरावती जिले में 3 ही बड़े सेंटर है, इरविन, डफरिन और सुपर. यहाँ सबसे ज़्यादा काम मिलता. बाकी जो जिले के अंदर ट्रम सेंटर है, अचलपुर, अंजनगांव, ये टोटल के जिले के अंदर जो भी, हाँ भी हर जगह हमारे कर्मचारी काम कर रहे, धोबी समाजी काम, उनको भी कोई 1 रुपये का पेमेंट नहीं मिला. और पेमेंट के बारे में वारंवार हमको इतना घुमाया जा रहा, बिल डाल रहे, बिल नहीं कर रहे, बिल आ रहे हमको. और हमारे फोन पे कोई कॉन्ट्रैक्टर मेन मालक हमारे से आज तक नहीं मिला हमको. हमको सिर्फ एक नाम से लेटर उन्होंने दिया हुआ है, सब कॉन्ट्रैक्टर बना के हमने काम करे. और हमने आज तक एक काम, आज भी काम चालू है हमारा, आज भी कपड़े हम धोते दे रहे हैं. क्योंकि मटेरियल को तो पैसा लगता ना मैडम, मटेरियल को पैसा 17 महीने से 18 महीने से हम खुद लगा रहे. सामने वाली कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि घर के आज उनके बीवी बच्चे के टोटल गहने उन्होंने ध्यान रख के ये सब कुछ लगा चुका है. इतने दिनों से आप क्यों रुके थे? हम रुके दे रहे थे मैडम, आश्वासन दे रहे थे मैडम हमारे को. हमने काम बंद करो आंदोलन का 3 महीने पहले भी छेड़ा था कि हम काम बंद कर देंगे. 18 महीने से रुके, 3 2022 को हमने लेटर दिए थे काम बंद करने का, काम बंद करने का. तब से हमें को आश्वासन ही दिया जा रहा है कि काम हो जाएगा. 31 3 2022 को हमने लेटर दिए थे काम बंद करने का, लेकिन हमको आश्वासन मिला कि नहीं, तुम्हारा बिल निकल जाएगा, मार्च महीने एंडिंग है, अगले महीने बिल तुम्हारा पूरा आ जाएगा करके हमने टोटल फिर डबल काम चालू करे. हमने काम जब भी बंद नहीं करे लेटर को. आपने मेन कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करने हमारे सामने नाम नंबर वगैरह सब बंद है उनका, ब्लैक लिस्ट में डाल चुके हो. हाँ, और हमारे नंबर सारे के ब्लैक लिस्ट में डाल चुके. फिर आपके मेन कॉन्टैक्ट किससे? हमारे जो कॉन्टैक्ट है ये कॉन्टैक्ट हमारा प्रमोद जय पिल्ले है जो आकोले के, उनके साथ में हमारा कॉन्टैक्ट है. लेकिन जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो कभी सामने नहीं आते, तो हम किसके पास में ऐसे पैसों की आशा करना कि कहाँ किससे लेना पैसे. अगले साल दिवाली मनाने के लिए हमको सिर्फ 10,000 रुपये मिले थे.
जो मिले थे वो बोलो ना भाई, दत्ता दिए उन्होंने 10,000 रुपए दिए दिवाली में, कोरोना काल में एक बार दिए थे 20,000 और 10,000 दिए, 20,000 रुपए दिवाली के लिए। कितना निकलता पेमेंट अभी हमारा टोटल पेमेंट यदि उनका निकाले कम से कम 18 महीने का इनका कम से 4 से 4.5 लाख इनका है, 4 से 4.5 लाख हमारा है। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं इनकी जो मेरे हस्बैंड है उनके साथ में मैं यहाँ पे ड्यूटी करती थी और मैं भी यहाँ पे प्राइवेट जॉब कर रही थी, कुछ साल मैंने यहाँ पे करी, तो यहाँ का भी कांटेक्ट बंद हो गया, तो हमने जैसा हमको आजकल कांटेक्ट चालूंगा करके ऐसा कहाँ गया है, और हमको अभी 6 महीने से मैं भी घर पे हूँ, आज मैं भी घर पे हूँ, मेरे हस्बैंड को भी पेमेंट नहीं 17 महीने से, तो हमने करना क्या, हमारे बच्चे को क्या खिलाएंगे, हम क्या खाएंगे, जो कुछ भी ज्वेलरी थी हमने सब गांध रखे, ऐड थे बच्चों के सब टूट गए, और अभी आज इसकी स्थिति खराब हुई कि हम लोगों को कितने पैसे मांगेंगे, मंग मंग के भी थक गए हैं, और अभी हम आखिरी बार आखिरी चारा कुछ बचा नहीं हमारे पास में, आज हमने ये कदम उठाए कि आज कुछ तो भी प्रशासन कुछ सुने और कुछ हमारे लिए कुछ करे। मैडम के पास में गए तो वो ठेकेदार का नाम लेते, ठेकेदार के पास गए तो सेस सर का नाम लेते, सेस सर से बात करें तो वो डॉक्यूमेंट्स इधर गए उधर गए करके ऐसे ही डलाते आए, ऐसा करते करते 17 महीने हो गए, अभी आज हम करना क्या, हमारे बच्चे हैं हमने करना क्या, आखिरी ये प्रश्न पड़ा है हमारे 15 साल से हमारे हस्बैंड यहाँ पे ड्यूटी करते, पर जब